बिहार के ट्रेनों में टीटीई की पिटाई तो जैसे आम बात हो गई है। कई खबरें आपने देखी होंगी और एक ताजा मामला भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के ट्रेनों में अब टीटीई साहब खूब पिटा रहे हैं, लोला पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं, कॉलर खींच खींच के धुने जा रहे हैं। टिकट मांगना इतना महंगा पड़ रहा है कि कॉलर पकड़कर अब खूब कुटाई हो रही है। ताजा मामला सामने आया है और इस मामले में टीटीई की एक बार फिर से जमकर पिटाई हुई है। दरअसल बिहार में रेलवे के एक टीटीई को अपना फर्ज निभाना महंगा पड़ गया। पटना जंक्शन पर टीटीई विनोद कुमार के साथ मारपीट की घटना हुई है। दरअसल टीटीई विनोद कुमार दानापुर टाटा पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे रेल यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। उसी दौरान एक यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था। विनोद कुमार ने यात्री को फाइन भरने के लिए कहा तो रेल यात्री उसके बाद आग बबूला हो गया। बात आगे बढ़ने के बाद यात्री ने टीटी की कॉलर खींचकर पिटाई करनी शुरू कर दी और उसके बाद उसका लोला पकड़ के खूब घुमाने लगा। मामले को बढ़ता हुआ देख वहां पर बैठे कुछ यात्रियों ने इन दोनों को समझा बुझाकर इन्हें शांत भी करवाया। घटना के बाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इसमें संज्ञान लिया है, लेकिन इससे लेकर सभी टीटीई में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी टीटीई के साथ बिहार में मारपीट हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पहली घटना नहीं है। अगर आपको याद होगा तो दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक टीटीई ने जीआरपी के दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। ट्रेन की एसी बोगी में तैनात टीटीई दिनेश कुमार सिंह ने सबके सामने बताया कि कैसे उनके बस टिकट मांगने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी थी। इसके पहले भी जहानाबाद और गया रूट में हमने आपको एक खबर बताई थी जब टीटीई साहब की टिकट मांगने पर पिटाई हुई थी। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी के मामले में आरोप ये था कि बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जीआरपी में तैनात दरोगा सुनील कुमार और कुछ पुलिसकर्मियों ने लात घूसों से उनकी पिटाई की थी। यात्रियों के बचाने पर टीटीई को छोड़ा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में आखिर टीटीई की पिटाई हो क्यों रही है? टिकट मांगने पर भी पीटे जा रहे हैं और यात्रियों से अलग अलग मामलों में जो खबर सामने आ रही है उस मामले में भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बिहार में फिलहाल जो ताजा खबर आई है उसके मुताबिक अब जितने भी टीटीई हैं उनमें रोष देखा जा रहा है। ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि बिहार की राजधानी की पटना जंक्शन पर घटित है और यहाँ के टीटीई विनोद कुमार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि किस प्रकार टीटीई का लोला पकड़कर उन्हें धकेला जा रहा है और किस प्रकार कॉलर पकड़कर उन्हें मारा और पीटा जा रहा है। अगर वहां पर बैठे यात्री नहीं समझाए होते तो हो सकता था टीटीई साहब खूब पिटा गए होते। हालांकि इस पर रेलवे प्रशासन अब गंभीरता दिखा रहा है और इस पर पहल करने की बात सामने आई है। कहा यह भी जा रहा है कि बार बार टीटीई की पिटाई जो हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाएगा और ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल विनोद कुमार की पिटाई के साथ ही जितने भी टीटीई हैं उन सभी में रोष देखा जा रहा है। वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब ट्रेनों में चलने पर भी उन्हें डर लग रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।